जब लोकतंत्र का महापर्व आता है तो हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि वे मतदान में हिस्सा लें। मेरठ जिला प्रशासन ने इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल की है, जिसमें स्थानीय डॉक्टरों और होटल संचालकों का सहयोग लिया जा रहा है। मेरठ के IMA से जुड़े डॉक्टरों ने मतदाताओं के लिए खास ऑफर निकाला है। मतदान करने वाले मरीजों को OPD शुल्क पर 20-25% छूट मिलेगी, जो कि मतदान के 4 दिन तक वैध रहेगी। मैं डॉक्टर मनीषा त्यागी, मैं पूर्व सचिव IMA हूँ और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो जैसा आपने कहा कि हम लोगों का एक अभियान जो चल रहा है, जागरूकता अभियान, तो एक रिस्पॉन्सिबल जागरूक नागरिक होने के नाते ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे पास जो भी मरीज आए हम उनको मोटिवेट करें, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का जो वोटिंग वो लास्ट ईयर जहां तक मुझे याद है 64% के अराउंड था, जो कि नेशनल वोटिंग परसेंटेज से थोड़ा कम था। तो हम चाहते हैं कि इस बार थोड़ा सा बढ़े। तो हम लोगों ने अभी DM सर के साथ एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमने ज्यादातर IMA के डॉक्टर्स ने ये सोचा कि हम उसमें 20-30% उसमें मरीज को डिस्काउंट देंगे, जो भी हमारे पास अपनी वोटिंग करने के बाद उंगली स्याही वाली दिखाएगा। तो हम इसको 4-5 दिन तक चलने का हमारी योजना है कि हम इसको 4-5 दिन तक। इसके अलावा हम मोटिवेट करने के लिए हमने अभी सोचा है कि एक मुहर भी सब बनवाएंगे जो IMA की तरफ से हम लोग को प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। ऐसी जो भी मरीज हम देखेंगे उस पे हम ये मुहर लगा के देंगे, ताकि जो भी मरीज या उनके अटेंडेंट वो थोड़ा सा मोटिवेट। इसी तरह होटल हारमनी के संचालक नवीन अरोड़ा ने मतदान करने वाले मतदाताओं को होटल में खाने पर 20% की छूट की पेशकश की है। ये ऑफर मतदान के दिन शाम से रात तक मान्य रहेगा, जिससे अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लेंगे। 24 अप्रैल को क्योंकि लोकतंत्र का महान पर्व है, तो मेरी सभी मेरठ वासियों से अपील यही रहेगी कि अपने मतदान का उपयोग जरूर करें, और उस दिन हमारे होटल में जो भी खाना खाने आएगा हमें सही लगाई खाएगा वो डालकर आया हूँ, सभी को 20% डिस्काउंट होटल हारमनी की तरफ से दिया जाएगा। इसलिए मैं सबसे पुनः अपील करूंगा कि अपने मतदान का उपयोग अवश्य करें। लोग सोचते हैं छुट्टी है, घर बैठो, घूमने निकल जाओ, तो मेरा कहना यह है सबको, देखो ये हमारा ऐसा पर्व है कि आपको मतदान का उपयोग हमेशा ही करना चाहिए। यही आगे आपकी सरकार तय करता है, आप ही जनता के द्वारा ही सरकारें तय होती हैं, तो फिर जनता का जो उपयोग होता है बहुत अच्छे तरीके से होता है, सहयोग अच्छे से होता है। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि सबको हम उसमें डिस्काउंट दें, लोगों को जागरूक करें। तो इसलिए मेरी सबसे अपील यही है कि उस दिन होटल हारमनी में सब लोग डिनर करने आए, और जो भी सही दिखाएगा सभी को 20% की छूट दी जाएगी। इन पहलों के अलावा मेरठ प्रशासन विभिन्न सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई गतिविधियों में लगा हुआ है। ये सब दिखाता है कि किस तरह से समाज के हर कोने से लोग मतदान को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं। काफी अच्छी मुहिम है। मेरठ की बात करें तो मेरठ में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, यहाँ के जो होटल मालिक हैं वो भी इसी तरीके से विशेष छूट के माध्यम से लोगों को वोट के प्रति अवेयर कर रहे हैं। तो कह सकते हैं मेरठ की क्रांति धारा के नाम से मेरठ जाना जाता है। मेरठ से जो एक नई क्रांति वोटों के लिए शुरू हुई है, इसका आगाज हुआ है, इससे आने वाले समय में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। इस प्रकार मेरठ में मतदाता जागरूक के इस अनोखे अभियान ने न केवल वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि की उम्मीद की है, बल्कि यह भी संदेश गया है कि मतदान हर नागरिक का मौलिक अधिकार और कर्तव्य है। यहाँ के प्रयास अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। लोकल 18 मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।